जहां सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश था मेरा। अब तकनीक बढ़े हैं, साधन बढ़ा है, इंसानियत पैरों तले रौंद दी गई है। गलियों में न कोयल की कूक न बांसुरी की धुन, बस मासूम की चित्कार गूंज रही है। गलियों में न कोयल की कूक न बांसुरी की धुन, बस मासूम की चित्कार गूंज रही है। सड़क किनारे फुलवारी नहीं, कूड़ेदान और उसमें लाश मिलता है। हवा में महुआ की खुशबू नहीं, कीड़े परे लाश का दुर्गंध फैलता है। मासूम बच्चियों और लड़कियों की इज्जत जिंदगी सब पैसे में तौली जा रही है। हर दो दिन पर किसी माँ की आंचल न्याय की गुहार लगा रही है। और फिर ऊपर से राजनेताओं के पक्ष विपक्ष के बहस में किसी मासूम की हत्या या रेप कांड का नहीं, उसकी इज्जत और जिस्म के चिथरे उड़ाए जाते हैं। फिर मंदिर मस्जिदों में न्याय मांगने की आर में धर्म के बड़े बड़े आडंबर दिखाए जाते हैं। रूह तक को झकझोर देती है हर रोज होती ये वारदात। निर्भया, काजल, ट्विंकल, प्रियंका जैसी कल फिर सड़क पे उतरेगी किसी की लाश, जिसकी बूटी बूटी को कुत्ते नोच रहे होंगे या जिस्म तेजाब के भेंट चढ़े होंगे। और ऐसी हालत करने वाले दरिंदे, वो कहीं दूर किसी कोने में छुपकर अपने कुकर्म को अखबारों में पढ़ रहे होंगे। परिजन परिजन न्याय करो ना रोएंगे, कोर्ट कचहरी का दौर लगाएंगे और प्रशासन से आश्वासन मिलती रहेगी, मामले पे कार्रवाई चलती रहेगी। किस कांड पे कौन सा धारा लगेगा, इस बात की पुष्टि करने में वक्त निकल जाएगा और आम जनता की नजर में फिर एक घटना धुंधला पड़ जाएगा। आखिर कब तक? क्या फिर एक ट्विंकल की हत्या का कर रहे हो इंतजार? क्या फिर किसी प्रियंका के जलने की हो रही प्रतीक्षा? एक और मामले की जांच चलती रहेगी और दूसरी ओर फिर कोई नई घटना मानवता को करेगी शर्मसार। अब फैसला चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फैसला चाहिए। इन दरिंदे हत्यारों के हिस्से सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए, केवल मौत, केवल मौत।